हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90s पे स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों को सक्सेस की 90s के थ्रू जितना भी TLET अपडेट है सब दिया जाता है, और आप लोगों के लिए विशेषकर हमारा जो तृतीय सेमेस्टर जो बैक वाले हैं उनके लिए आज हम ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाए हैं। आप लोगों को सिर्फ करना है रिवाइज, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आना है। अब नहीं लगेगा बैक, अब हम सिर्फ पास होंगे और अब हम जो शिक्षक भर्ती हैं ना उनमें जाएंगे, इसके हम पूरी अच्छे से तैयारी करेंगे। तो बस तृतीय सेमेस्टर वाले जितने भी बच्चे हैं सब जुड़ जाइए, सब आप सभी को जुड़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सब तक पहुँच जाए। और आपको बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर लेनी है, और फिर हम यहाँ पर चलते हैं आज अपने सेशन में। और सबसे पहली बात तो जो वीडियो देख रहे हैं पहली बार इस चैनल को, उसमें आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप तक जो है अपडेट जितना भी वीडियो हम डालें यहाँ पर आपको पहले पहले मिल जाए, और आप जल्दी जल्दी इसको पढ़ लें और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएँ। तो चलिए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, लाइक करना तो भूले ही ना, आपको तुरंत लाइक कर देना है क्योंकि आपका लाइक ना बहुत बहुत काम करता है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे विज्ञान में जो तृतीय सेमेस्टर है इसका जो है आपका ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, और अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे तो ये आपके जो गत जो पेपर है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए पहला क्वेश्चन है, हरित लवक पाया जाता है। तो आपको पता है हरित लवक क्या है? हरित लवक जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरो मतलब ग्रीन, ठीक है, और प्लास्ट मतलब मेम्ब्रेन, तो पूरा एक हरित लवक आपका ये हो गया, है ना। तो हरित लवक आपको इसके बारे में पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए, आप पेपर देने जा रहे हो ना। तो देखिए लवक, लवक का ही पार्ट, तीन पार्ट होते हैं लवक के, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। तो इसी का पार्ट जो है, हमारे लवक का पार्ट वो प्लास्ट, यानी कि लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड्स कहते हैं ना, तो उसी का एक पार्ट है हमारा हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो पाया जाता है किस में? जंतु कोशिका में पाया जाता है, या कवक में, या फिर विषाणु में, या वनस्पति कोशिका में, किस में पाया जाता है? आपको पता है किस में पाया जाता है? बिल्कुल आपको पता है। चलिए कैसे पता है देख लेते हैं। जंतु कोशिका में? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जंतु कोशिका आपको पता है जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। हरित लवक क्या काम करता है? प्रकाश संश्लेषण का, है ना, तो उसमें जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो ये तो आंसर बिल्कुल ही गलत हो गया। अगला देख लेते हैं, कवक में? कवक में तो बिल्कुल नहीं पाया जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि कवक जो होते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे कि मशरूम होता है ना, उस कवक में तो कोई कलर ही नहीं होता है, तो भाई इसमें तो बिल्कुल ही नहीं होगा। चलिए ये भी ऑप्शन गलत। विषाणु में ऐसा तो होगा ही नहीं ना, विषाणु में कोई भी जो होते हैं जैसे कि ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, जो संरचनाएं हैं वो नहीं, तो भाई विषाणु आपके लिए ये ऑप्शन गलत है। आपका ऑप्शन अब एक ही बचा, वो है वनस्पति कोशिका। और आप जानते हो कि जो वनस्पतियां होती हैं वो ग्रीन हरी कलर की होती है ना, तो उनका वो हरा कलर ना उनके हरित लवक की वजह से होता है। आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, आपको यहाँ से फटाक से नंबर मिल जाने हैं, तो आप अच्छे से रिविज़न भी कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए आपको भी करके दिखा दें। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि जो टेलीफोन का आविष्कार किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जिसने भाई अच्छे से पढ़ा होगा, जिसने भी, अभी मान लो आप बैक पेपर का चलिए देने जा रहे हैं, फटाक से पेपर है और जल्दी से तैयारी करनी है, तो एक हम आपके ये इसीलिए क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आप ना अपने समझ पाएँ कि हमें क्या क्या चीज़ों पे गौर करना है जो एग्ज़ाम में बहुत ही पूछी जाती हैं। चलिए आविष्कार है ना, तो आविष्कार का एक पूरा वीडियो क्लिप हम अच्छे से बनाकर आपको चलिए पेपर के पहले तक हम ज़रूर डाल देंगे, आपको देख लेना है। चलिए तो फिर पहले देख लेते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन हैं। नंबर एक आपका दिया हुआ है ग्राहम बेल, नंबर दो है न्यूटन, नंबर तीसरा है आर्किमिडीज, और नंबर चार सैमुअल मोस। ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता कि
जो है हम लोगों में ये मतलब एक क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था और चारों सही हूँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अभी देख लेते हैं न्यूटन। अरे हमें तो पता है न्यूटन का, जो न्यूटन ने तो गति के विषय नियम दिए थे, तो अब तो भाई टेलीफोन का आविष्कार इन्होंने नहीं किया, ये भी ऑप्शन है गलत। आर्कमिडीज ने तो कुछ क्या एक जो है ये तो साइंटिस्ट थे और इन्होंने कुछ क्या दिया था, एक सिद्धांत दिया था आर्कमिडीज का सिद्धांत है ना, जो क्या हुआ था जो सेब का फल था वो गिर गया था ऊपर से नीचे, तो उन्होंने उससे गुरुत्वाकर्षण लाइक ऐसे खोज किया था है ना, तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, ग्राम बेल और सैमुअल मोर्स। बिल्कुल हमने पढ़ा था कि जो टेलीफोन का आविष्कार है वो तो ग्राम बेल ने किया था, तब तो ये सैमुअल मोर्स होगा ही नहीं, मोर्स जो है सैमुअल मोर्स तो बिल्कुल नहीं होंगे, यहाँ पर ग्राम बेल होंगे। और हमने वहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा और एडिशनल जानकारी रखना हमारा काम है। तो देखिए 10 मार्च 1876 को टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन क्लियर होंगे, अगर अति लघु उत्तरी आ गया तब भी आपका एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, और अगर भाई विकल्प ही आएगा तो आपका तो हो ही गया है क्लियर। चलिए अगला देख लेते हैं, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप। अरे हमने बिल्कुल पढ़ा है ना कार्बन का क्रिस्टलीय रूप, आपका पहला दिया हुआ काजल, दूसरा जन चारकोल, तीसरा कोयला, चौथा हीरा। तो अब इसमें से क्या सही होगा, तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि कार्बन के अपर रूप पढ़ा था, तो कार्बन के अपर रूप में दो 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 चीज़ हमने पढ़ी थी, एक तो हीरा पढ़ा था और एक हमने ग्रेफाइट पढ़ा था। बट क्रिस्टली रूप की बात करें तो वहाँ पर आपका क्रिस्टल लाइक हीरा होता है, आप याद रखना कि क्रिस्टल लाइक हीरा होता है और वो आपका क्रिस्टली रूप कार्बन का हीरा है, ठीक है आपको ये याद रखना है। जैसे कि आपको पता है हीरा कहाँ मिलता है, हीरा कोयले की खानों में मिलता है ना, तो वहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं है ना, जो द्रव होती है वाष्पित होकर गैस के रूप में बदल जाती है, तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला देख लेते हैं आपका चना, यानी कि आपका देखिए अगला पांचवा क्वेश्चन है, फटाफट क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल भी कोई डाउट रह ही ना जाए, और कोई भी डाउट हो तो फटाफट से पूछ लीजिए बिना किसी हेजिटेशन के, पढ़ाई तभी हो पाती जब आप पूछ सकें। तो चना या मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाता है, चना या मटर जो है उनकी जड़ों की गांठों में जो है पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा कौन सा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वहाँ पर आपको पढ़ाया गया होगा कि जो चना या मटर की गांठें हैं उसमें जो है राइजोबियम, सीधा सा आंसर आपको बताना है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो क्लास्ट्रिडियम, इसे तो रोग होता है क्लास्ट्रिडियम टिटैनी, टिटैनस रोग होता है ना, लैक्टोबैसिलस ये तो जो है दूध में पाया जाता है ना, जो ये क्या होता है लैक्टोबैसिलस आपके दही वगैरह में ना इसमें पाया जाता है। एजोटोबैक्टर ये तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ही है पार्ट, लेकिन ये नहीं पाया जाता है। राइजोबियम जो है ये चना और मटर की जड़ों की जो गांठें होती हैं उसमें पाया जाता है और क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ तो आपके 5 क्वेश्चन ये आए थे आपके प्रीवियस ईयर के अति लघुत्तरीय नहीं वो विकल्पीय में आए थे, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे अति लघुत्तरीय में कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि हम सारे कंप्लीट करेंगे अभी तुरंत के तुरंत, आप बस पूरी वीडियो में बने रहिए और कहीं मत जाइए। चलिए छठा आपका क्वेश्चन है, आप अति लघुत्तरीय आया था, वायुमंडल में CO2 की मात्रा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, आपको पता होगा आपने पढ़ा था एक टॉपिक प्रदूषण, कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण कुछ नहीं है, प्रदूषण सिर्फ वही है जैसे कि हर चीज़ का एक अपना बैलेंस है, हमने पढ़ाया था नियंत्रण है ना वो चीज़, आपको वहाँ पहली वीडियो आप जाके देख लें, वहाँ पर आपको ये चीज़ नियंत्रण का महा मतलब बताया गया है। तो ये आपको पता है कि वायु प्रदूषण, अपने सिर्फ प्रदूषण के बारे में जानिए पहले कि प्रदूषण क्या है। अरे अब देखिए सभी चीज़ का एक सामंजस्य है और सभी चीज़ें बिल्कुल बैलेंस्ड कर हर चीज़ में दी गई, जैसे हमारे पर्यावरण में है, पर्यावरण में एक रेशियो, एक परसेंटेज है कि नाइट्रोजन इतने परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इतने परसेंट, ऑक्सीजन इतने परसेंट,
अब अगर इतने परसेंट में उसका ज़्यादा होना या कम होना वही आपका प्रदूषण होता है। तो अब आप देखिए कि CO2 की मात्रा बढ़ने से क्या होगा भाई, कोई भी कंटेंट अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है परसेंटेज बढ़ेगा, और परसेंटेज बढ़ने से वहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा हो गई और वो प्रदूषण हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, सीधी सी बात वायु प्रदूषण होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जड़ किसे कहते हैं, पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। चलिए, पौधा का जो हिस्सा जो भूमि के अंदर पौधों को परस्पर बांधे रखती हैं, ठीक, मतलब कि आपको पता है बिल्कुल जड़ पता है, देखिए पता तो आपको सब कुछ है पर एग्जामिनर को सिर्फ वही चीज़ पता है जो आपने अपने कलम से उसमें लिखा है, किसमें, कॉपी पे, तो बस आपको सटीक आंसर देना है और कुछ नहीं। यहाँ पर हम इसीलिए खुद आपके लिए PDF लिख के बनाए हैं ताकि आप लोग जान लीजिए कि सटीक आंसर क्या है, इसीलिए हमने खूब बड़ा बड़ा सा नहीं लिखा है। चलिए देख लेते हैं कि पौधे का हिस्सा जो भूमि के अंदर पौधों को परस्पर बांधे रखती है उसे जड़ कहते हैं, ठीक। तो आपके जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक मूसला जड़ होती है, एक अपस्थानिक जड़ें होती हैं। मूसला जड़ किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए, मूसला जड़ इसे कहते हैं कि जिसमें एक जड़ जो होती है मेन होती है और वो डिवाइड नहीं होती है, ठीक है, वो बटी नहीं होती है कई सारे भागों में, जड़ों में, है ना। और अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं, है ना, तो अपस्थानिक जड़ें क्या होंगी, जैसे कि मूसला जड़ की बात कर ले तो वहाँ पर जैसे कि आपका गाजर वगैरह है ना, वो मूसला जड़ का एक अच्छा सा एग्जांपल है, उदाहरण। अपस्थानिक जड़ें में देख लीजिए उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जड़ें डिवाइडेड हो जाती हैं, जैसे कि आप देख लीजिए बरगद वगैरह में है ना, वो अपस्थानिक जड़ें उसमें होती हैं, वो कई सारी चारों दिशाओं में ना घूम क्या करती हैं, अपने आप को बढ़ाती हैं, तो उसमें खूब सारी जड़ें निकल आती हैं, जैसे कि ऐसे मान लीजिए एक पेड़ है उसमें ऐसे 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 करके एक खूब सारी जड़ें निकल जाएं और तभी ये क्या हो जाएगा, अपस्थानिक जड़ें हैं। चलिए तो आपको समझ में आ गया, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, तो कैंची आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। उत्तोलक आपको जो है पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आपका आया था क्वेश्चन कैंची किस प्रकार का उत्तोलक, कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अगला क्वेश्चन, पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग बताइए। बिल्कुल, पॉलीथीन जो बहुलक है इसके दो उपयोग, ठीक है, तो पॉलीथीन के मान लो बॉल की कलर करके उसको क्या क्या बनाते हैं, मान लीजिए कि वो आपका काम आता है, यहाँ पर आंसर हमने लिख दिया है स्वेटर व तंतु बनाने में, नंबर दो पैकेजिंग बनाने में। बिल्कुल आपको पता ही होगा, इस बारे में आप तो जानती होंगे कि पॉलीथीन बहुलक के उपयोग दो तो आप लिख ही लेंगे, स्वेटर व तंतु बनाने में, चलिए, और एक तो पैकेजिंग आपको पता ही होगा। पॉलीथीन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कितने सारे प्रयास कर डाले पर अभी भी पूरी तरह से नियंत्रण हो ना पाया। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस प्रकार का कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन आपका आया था, ये सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं, वही हम करवा रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा तभी इस वीडियो का जो उद्देश्य है ना वही पूरा होगा। दूरदृष्टि दोष आपको पता है क्या होता है, कहा तो जाता है दूरदृष्टि दोष पर होता क्या है, आपको निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, और आपको पता है कि निकट की वस्तुएं जब नहीं दिखाई देती तो वहाँ पर उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर ही उत्तल लेंस है। चलिए, कौन सा जंतु मरुस्थली वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों, इस क्वेश्चन का सटीक आंसर यहाँ पर सिर्फ एक ही बनता है, ऊँट। आपको पता है मरुस्थल में ऊँट जो है वो वही रह सकता है, क्यों रह सकता है, उसका कारण ये है कि वो अपने कूबड़ में वसा और भोजन का जो संचय है वो अधिक समय तक कर लेता है। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, आपको सिर्फ यही लिखना है, अगर क्वेश्चन आपका आया यही तो आंसर भी यही करना है, आपको नंबर तो पूरे के पूरे मिलेंगे कम से कम एक क्वेश्चन में। तो देखिए वहाँ पर ऊँट, ऊँट ना उसको मरुस्थल में चलने में भी काफ़ी हेल्प होती है, अगर हम लोग बालू पे चलेंगे तो पैर धंसते हैं ना, उसके पैर भी गद्दीदार होते हैं, उसको चलने में काफ़ी आसानी होती है। तो भैया आपको पता है कि प्रीवियस क्वेश्चन की एक झड़ी हम लेके आए हैं, आपको बस क्या करना है, सक्सेस की 90s पर जुड़े रहिए, जल्दी जल्दी कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर करना तो मत भूलें, लाइक करके ही जाएं। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपकी पढ़ाई को और बैक सेमेस्टर को
अच्छे से क्लियर करना ताकि हम आगे जो हमारी जो नौकरियां हैं ना उसमें भाग ले सकें। चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगली वीडियो में। शेयर करना मत भूलिए और लाइक तो बिल्कुल ही मत भूलिए।